आज हम बात करेंगे एक गेम के बारे में जिसका नाम है द डे बिफोर, जो अपने अर्ली एक्सेस के 4 दिन बाद ही उनका स्टूडियो अनाउंस करता है जिसका नाम है फैंटास्टिक, कि वो शट डाउन हो रहा है लैक ऑफ फंड्स के कारण। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी इस गेम में। सबसे पहले तो बात करते हैं गेम के बारे में। द डे बिफोर एक ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम होने वाला था, जो कि पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सिनेरियो से बनाया गया है। अगर आप में से किसी ने वॉकिंग डेड देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये उसी टाइप का होने वाला था बेसिकली। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये गेम उसी कंपनी ने बनाया है, फैंटास्टिक ने, जिसने प्रॉप नाइट पे भी काम किया है। तो जो गेम काफ़ी पॉपुलर था आई थिंक इंडिया में, स्ट्रीमर्स ने काफ़ी स्ट्रीम भी किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी इस गेम के बारे में। तो फिर मुद्दे पे आते हैं कि इस गेम के साथ एक्चुअली हुआ क्या। जो गेम इतना पॉपुलर प्रॉप नाइट जैसा गेम बना सकता था, उसने ऐसा क्या गलतियां की कि ये लिटरली रिलीज़ के 4 दिन बाद ही फ्लॉप हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे इस गेम के मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट की, कि मल्टीप्लेयर होने के बावजूद और इस गेम की इतनी हाइप थी 2 साल से, उसके बाद भी जब आप गेम के अंदर एंटर करते हो तो आपको ज़्यादा प्लेयर्स नहीं मिलते हैं मैप पे, और ऐसा लगता है कि आप एक सोलो कैंपेन गेम खेल रहे हैं लिटरली। तो अनलेस आपके दोस्तों के पास भी ये गेम है, आई थिंक मैप पे प्लेयर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक US में स्टिल लोग काफ़ी खेल रहे थे, बट दूसरे सर्वर्स में मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम प्लेयर्स कंपैरेटिवली। तो अनलेस तो आपके दोस्त आपके साथ खेल रहे हैं, आप प्रोबेबली इस गेम को अकेले ही खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस गेम के गन प्ले की। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं ये बंदा इसको काफ़ी देर से मारने की कोशिश कर रहा है, बट वो गन के शॉट्स एक्चुअली जोम्बी को लग ही नहीं रहे हैं। तो ये रीलोड करते हुए जब उसे बाहर ल्यूर कर रहा था जोम्बी को, कि ताकि इसे ओपन में फायर करने की कोशिश करे, तो एक दो शॉट्स लगते हैं, फिर काफ़ी सारे शॉट्स मिस होने लगते हैं। जैसे बाहर लेके जाता है जोम्बी जिसके पीछे पड़ा है एंड इसे ल्योर करने की कोशिश करता है, और एंड में लाइक ये उसे शॉट्स कंटिन्यूसली मार रहा है बट उसे शॉट्स लग ही नहीं रहे हैं। वो रीलोड पे रीलोड कर रहा है, हील कर रहा है अपने आप को, एंड सारे शॉट्स मिस हो रहे हैं, और वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते हुए 2 फटके मार रहा है, फिर उसके वो भाग रहा है लो हेल्थ में। अल्टीमेटली ये इसको बाहर ल्योर करता है, एंड यहाँ पे जब ये इसे वापस मारने की कोशिश करता है तो ज़ॉम्बी इसे नॉक कर देता है यहाँ पे। तो ये लाइक आई थिंक बहुत ही फनी सेगमेंट था ये, देख रहा अब इसे मार रहा है और वो तो लिटरली नॉक हो जाता है यहाँ पे। आई थिंक ओवरऑल इस गेम के ग्राफिक्स इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि देखने में गेम बहुत बढ़िया लग रहा था। जब आप एंटर करोगे, आप अपना मिशंस कर रहे हो, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बट जब तक मैंने ये क्लिप नहीं देखी थी जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ रही है। तो ये प्लेयर यहाँ पे एंटर करता है और यहाँ पे कोई आई थिंक NPC है, जो पूरा उसका डिज़ाइन इधर उधर हो चुका है पूरे मैप पे, और वो एक जायंट, मतलब ये अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड सा लग रहा है इस पॉइंट पे देखने से। तो पहले तो एक प्लेयर को लगा कि कहीं ये सिर्फ उसके साथ ही बग तो नहीं हो रहा, तो वो चैट में पूछ रहे हैं कि ये सबके साथ हो रहा है क्या या ये मैं ही अकेला बंदा हूँ। तो सब देख के वहाँ पे हैरान है, भाई ये क्या चल रहा है। मतलब जो इस गेम का एक स्ट्रॉन्ग सूट था ग्राफिक्स, वो भी बिल्कुल ज़मीन में धस चुका है इस पॉइंट पे। एंड ये पिक्सेलेट इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि इस पे एम भी नहीं हो पाता एक्चुअली। तो अब गेम के थोड़ा रिव्यूज़ की बात करते हैं। जो लोगों ने अर्ली एक्सेस इस गेम को बाय किया और उसे खेला, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो एक जनाब तो बोल रहे हैं कि ये स्टूडियो जो है 3 डेज गेम के रिलीज़ के बाद शट डाउन हो गया, एंड ओमेगा लल। तो ये सारे क्या है कि जो भी अर्ली एक्सेस खेले थे उन्होंने प्रॉब्ली रिफंड मांगा होगा स्टीम के रूल्स के रिगार्डिंग। अगर आपने 3 घंटे और हफ्ते भर से पहले रिफंड मांग लिया तो आई थिंक वो रिफ़ंड हो जाता है, नॉट श्योर इट। आई थिंक अभी भी लोगों को रिफ़ंड आना बाकी है। एंड यहाँ पे ये तो जनाब कह रहे सीधा स्कैम है ये गेम। तो ओवरऑल देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये गेम स्कैम ही कर रहा है, एंड एक यूज़र तो लिटरली गाली दे रहा है इसे।
तो ये 4 दिन के अर्ली एक्सेस जो भी थे इस गेम के, उसके बाद ये जो कंपनी फैंटास्टिक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि ये शट डाउन कर रहे हैं अपने स्टूडियो को। इनकी कंपनी शट डाउन हो रही है क्योंकि इनका जो गेम था ऑफ कोर्स उसमें लैक ऑफ फंड्स हैं, एंड क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकते तो इनके डेवलपर्स भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल फिर ये गेम लैक ऑफ फंडिंग की वजह से अब बंद हो चुका है, एंड करेंटली ये रिफंड्स कर रहा है बाकी जिन्होंने भी ये गेम ख़रीदा था। एंड आई थिंक जिन लोगों ने भी प्रॉप नाइट भी ख़रीदा था वो लोग भी शायद अब रिफ़ंड नहीं मांग सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अब 1 हफ्ते से ऊपर तो हो ही चुका होगा रिलीज़ को, एंड और 3 घंटे से ज़्यादा तो लोग उसे खेल ही चुके होंगे। तो प्रॉप नाइट का तो रिफ़ंड नहीं हो पाएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस गेम का तो रिफ़ंड हो ही पाएगा। आई मीन ये गेम इतना वाहियात था कि IGN तक ने इसको 1 स्टार दिया है, तो जो कि यूजुअली थोड़ा सा जनरस रहता है ऐसी रेटिंग के मामले में, तो उस गेम ने भी इसको इतनी बुराई करी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम था, ओवरऑल लोगों के अर्ली एक्सेस के पैसे लेके स्टूडियो बंद कर देना 4 दिन बाद अर्ली एक्सेस से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।